ये क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं कालू काका? चलो ना पता करते हैं। अरे काका, ये क्या इंजेक्शन लगा रहे हो? अरे ये फलों को बड़ा करने का इंजेक्शन है। अच्छा, ये तो बड़ा ही अच्छा है। अब हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अरे क्या करने की सोच रहा है तू? रात में पता चले। अरे ये तो मगरमच्छ है गुन्नू, इसकी कीमत बहुत है। हाँ, मैंने भी सुना है, आजकल लोग इसकी भी खेती करते हैं और इसकी पैदावार से बिक्री करते हैं। इसके चमड़े, इसकी आंखें, ये सारा कुछ खूब बिकता है। मीनू मौसी के आंगन में बहुत सारी सब्जियां हुई थी और लौकी भी छत पे खूब हुए थे, लेकिन मीनू मौसी एक नंबर की कंजूस थी। मीनू मौसी किसी को भी मुफ्त में सब्जियां नहीं देती थी। एक दिन बिजली कौवी मीनू मौसी के घर पहुंची। मीनू मौसी, ओ मौसी, मौसी बाहर आओ जरा। मीनू घर के बाहर आती है। अरे रे, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है? मीनू मौसी, मुझे कुछ सब्जियां चाहिए थी, आज घर में सब्जियां नहीं है। अरे रे रे, तो पैसे लेकर आई है? यहाँ मुफ्त का खेल नहीं होता है। मीनू मौसी, अभी तो पैसे नहीं है, मैं बाद में दे जाऊंगी। अरे रे रे, बाद का खेल मेरे पास नहीं है, चली जा यहाँ से। आ, पैसे लेके आना तो फिर सब्जियाँ लेकर जाना, चल हट। ये बुढ़िया तो एक नंबर की बदमाश है, इस बुढ़िया से कुछ भी नहीं मिल सकता है। इतनी कंजूस, पता नहीं क्या करेगी पैसों का। उम्र हो गई है, मर कर जाने का समय हो गया है और फिर भी पैसों के लिए मरी जाती है। ओ बिजली भाभी, बिजली भाभी जरा इधर आओ। अरे क्या हो गया भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या बताऊं गौरी, गई थी सुबह सुबह, मेरी तो मत मारी गई थी, घर में सब्जियां नहीं थी, सोचा मीनू मौसी से दो चार सब्जियां ले लूं। अभी तो खेती का सही समय भी नहीं है, घर में पैसे भी नहीं थे, सोचा दो चार सब्जियों से आज का गुजारा चला लूंगी। मीनू मौसी के आंगन में इतनी सब्जियां हैं, लेकिन उसने एक सब्जी नहीं दी, ऊपर से सुना दिया उल्टा। अरे आप गई ही क्यों थी? मीनू मौसी के व्यवहार को कौन नहीं जानता है इस गांव में, मीनू मौसी तो वैसी ही है। कोई नहीं, कुछ सब्जियों के पौधे मैंने भी अपने आंगन में लगाए हैं, ये लो। ये लो, तुम्हारा दो तीन दिनों का हो जाएगा। अरे वाह गौरी, तूने तो आज मेरी बड़ी मदद कर दी, लेकिन वो कंजूस बुढ़िया, उससे कीड़े पड़ेंगे कीड़े, देख लेना तुम। माँ माँ, भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को दे दो। अरे रे चल ना, घर में मैंने मछली और भात बना रखा है, चल मैं तुझे खाने को देती हूँ। माँ पता है, वो जो बुढ़िया है ना, मीनू बुढ़िया, कंजूस बुढ़िया, उसके तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं। अरे तुझे कैसे पता? बस मुझे पता है, बहुत बड़ी बड़ी और बहुत अच्छी मछलियाँ हैं।
अरे कहाँ है रे गौरी? अरे रे रे, कैसा छछुंदर बेटा पैदा किया है। अरे बाहर निकल गौरी, जल्दी बाहर निकल। अरे मीनू मौसी, यहाँ आई हो, कोई बात? अरे रे रे, बिना बात का तो मैं कहीं ना जाऊँ। तेरे इस छछुंदर बेटे ने मेरी मछलियाँ चोरी करने की कोशिश करी। ये क्या कह रही हो? झुमरू बाहर आ, झुमरू जल्दी बाहर आ। ये ले, मैंने क्या तुम्हें कभी खाने पीने में कमी की है? क्या मैं मछलियाँ नहीं बनाती जो तू इसके तालाब में गया था? अरे रे रे, इसे अच्छे से खाने को दो, चोरी करता है चोर कहेगा। देखा, तेरी वजह से क्या क्या सुनने को मिल रहा है। ये ले। माँ रुको। अरे रे रे, छोड़ दे अब। हाँ, अब मना कर देना इसे मेरे तालाब में ना आए। माँ, तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं और भैरव दोनों गुजर रहे थे, गर्मी लग रही थी, तो भैरव ने कहा कि चल उसकी तालाब में नहा लेते हैं। हम दोनों उसकी तालाब में उतरे ही थे कि वो बुढ़िया आ गई। अरे रे रे, कौन है मेरे तालाब में? तुम दोनों मेरे तालाब में चोरी करने के लिए आए हो? और हम लोग हड़बड़ा गए। अरे चल रे, भाग रे भैरव। हाँ, भाग। और हम दोनों वहाँ से भाग गए। तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी। तुम मेरे से पूछ तो लेती कि मैंने चोरी की है या नहीं की है। मैंने चोरी वोरी नहीं की। हमारे पैरों में बहुत सारी मछलियाँ आकर लग रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला कि उसके तालाब में बहुत मछलियाँ हैं, लेकिन मैं मछलियाँ चोरी करने नहीं गया था। अरे मेरा बेटा, माफ कर दे बेटा। तुम चुप रहो, मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? आज मैं उस बुढ़िया को ठीक ही कर दूंगा। अरे सुन तो, ओ झुमरू सुन तो। भैरव, ओ भैरव, जरा बाहर आ। आया आया। हाँ भाई, कैसे हो? अरे क्या बताऊँ, आज माँ ने मुझे बहुत मारा है। चल जरा जाकर कहीं बैठते हैं, मन नहीं लग रहा है। ये क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं कालू काका? चलो ना पता करते हैं। अरे काका, ये क्या इंजेक्शन लगा रहे हो? अरे ये फलों को बड़ा करने का इंजेक्शन है। अच्छा, ये तो बड़ा ही अच्छा है। अब हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा। अरे क्या करने की सोच रहा है तू? रात में पता चलेगा। अरे रे रे, कौन है मेरे छत पे? अरे कोई है मेरे छत पे? अरे लगता है बुढ़िया जग गई। अरे चुपचाप भाग यहाँ से। अरे रे रे, कोई तो नहीं है, लगता है बिल्ली होगी। अब मुझे धोखा हो गया। अरे रे, ये तो मेरा छत ही तोड़ देगा। अरे कोई इस कद्दू को काटो। अरे बेटा गुन्नू, मेरे से नहीं होगा। जरा छत पे वो कद्दू है, उसे काट दे बेटा, वरना मेरी छत टूट जाएगी और रहने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे बुढ़िया, तूने बहुत परेशान किया है, मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? तुमने क्या गांव वालों को कभी कोई अच्छी चीज करी है? लोग तुमसे एक सब्जी मांगने जाते हैं तो तू देती नहीं है, सब चीजों के पैसे लेती है। चल जा यहाँ से। अरे रे रे, कोई मेरी मदद करो।
अरे रे रे गौरी बिटिया, मेरी मदद कर दे। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? तुमने तो हमें बहुत बेइज्जत किया है। कोई भी गांव में तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अरे रे रे बेटा, ऐसे मत बोल, मेरा छत टूट जाएगा, मैं बेघर हो जाऊंगी। मुझ बुढ़िया से छत बनाया नहीं जाएगा बेटा। पहले मीनू मौसी, तुम ये कहो कि तुम अब से कंजूसी छोड़ दोगी, गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार करोगी, तभी तुम्हारे छत से हम लोग उस कद्दू को हटाएंगे, वरना कोई भी नहीं हटाएगा। अरे रे रे, मैं समझ गई हूँ, मुसीबत में गांव वाले ही काम देते हैं। माफ कर दो गांव वालों, आप से मैं तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करूँगी, हमेशा अच्छे से रहूँगी, माफ कर दो भाई। ये लो, हमने तुम्हारे कद्दू काट दिए हैं और अब छत तुम्हारा सुरक्षित है। अरे रे रे, मुझे भी माफ कर दो गांव वालों। ये लो एक एक टोकरी सब्जियां, सब कोई लो, ये ले बेटा गुन्नू। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। नहीं मौसी, मेरे पास सब्जियां बहुत है, मुझे नहीं चाहिए, बस तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो यही काफी है। ये ले बेटा, तेरे पसंद की मछलियां, तू उस दिन तालाब में आया था ना, ये ले मछलियां। देखो उस दिन ये तालाब में आपके यहाँ चोरी करने नहीं आया था, इसने बस वहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए गया था वो। और मेरा बेटा चोर नहीं है, चाहो तो आप पूरे गांव में पूछ सकते हो। अरे रे रे, माफ कर दे गौरी मुझे, मेरी ही भूल है, मैं थोड़ा उल्टा सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चोरी करने आया था। बेटा तुझे जब भी मछलियाँ खानी हो मुझसे कहना, मैं मछलियाँ तुझे खुद पकड़ के दूंगी। माँ माँ, बहुत ही अच्छा बना है, एकदम मजेदार है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो कद्दू इतना बड़ा कैसे हो गया था। अरे माँ, तुम उतना मत समझो, तुम समझोगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मीनू मौसी बदल चुकी थी और गांव वालों की मदद कर दी थी। मीनू मौसी अब बदमाशियां नहीं करती थी। के बीचों बीच नाव खड़ी थी और नाव में एक तरफ कालू था तो दूसरी तरफ भैरव, दोनों ही मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकते। कालू जाल फेंकता है और फिर थोड़ी देर बाद, अरे लगता है मेरे जाल में मछलियां फंसी हैं। मुझे भी लगता है इस बार मछलियां मिलेंगी। अरे भाई अब हो गया, चलें क्या? हाँ हाँ चलो, अब बहुत देर हो गई है और हमारे बर्तन भी भर गए हैं, एक ही दिन में नदी साफ थोड़ी करनी है, चलो। चलो भाई चलता हूँ। हाँ चलो। अरे ओ बिजली, बिजली कहाँ हो? बाबा आज कितनी मछलियाँ लाए हो? अरे आज तो मैं बहुत सारी मछलियाँ लाया हूँ। अच्छा बाबा, बहुत दिनों बाद। हाँ जी, आज तो बहुत दिनों बाद लगता है मछलियाँ मिली हैं आपको। हाँ भाई, आज तो बहुत दिनों बाद ही मछलियाँ मिली हैं।
लो बिजली, बड़ी मछलियों को एक बर्तन में, छोटी मछलियों को दूसरी बर्तन में करो, ताकि बड़ी मछलियों को ज्यादा दामों पर बेच सकूं और छोटी मछलियां घर में खाने के लिए रख देना। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। ये तो काफी बड़ी है। अरे ये क्या है, कोई सांप वाप है क्या? क्या है माँ, क्या है? अरे दूर रह, ऐसा लगता है नदी का कोई विषैला सांप है मछलियों के साथ आ गया है। हाँ हाँ ऐसा ही लग रहा है। अच्छा देखूं तो जरा। अरे नहीं, ये सांप नहीं है, ये तो मुझे मगरमच्छ का बच्चा लग रहा है। पिताजी मगरमच्छ तो बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ हाँ ये खतरनाक ही है, मैं अभी डंडा लेकर आता हूँ और इसे मार दूंगा। अरे रेनी मारो मत, ये छोटा बच्चा जैसा है। ऐसा करो इसे वापस से ले जाकर नदी में छोड़ देना कल। अरे लेकिन इसे रखेंगे कहाँ? पिताजी मेरे पास एक जार है शीशे का, उसमें भरकर रखते हैं। अच्छा ठीक है ले आओ फिर। इसे संभाल कर रख देता हूँ, कल सुबह नदी में ले जाकर छोड़ दूंगा। हाँ यही सही रहेगा। अरे ये तो मगरमच्छ है गुन्नू, इसकी कीमत बहुत है। हाँ मैंने भी सुना है, आजकल लोग इसकी भी खेती करते हैं और इसकी पैदावार से बिक्री करते हैं। इसके चमड़े, इसकी आँखें, ये सारा कुछ खूब बिकता है और इसके अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। हाँ मैंने भी सुना है, पास का गांव का मुखिया इसे बेच बेच कर करोड़पति हो गया है। हाँ तुमने ठीक ही सुना है। बिजली, ओ बिजली। अजी आप इसे नदी में छोड़कर नहीं आए? अरे नहीं, मैंने सुना इसकी भी पैदावार की जा सकती है, इसे भी बेचा जा सकता है। इसे बेचने से आसपास के गांव का कोई मुखिया है वो करोड़पति हो गया है, बहुत पैसे मिले हैं। अजी कैसी बातें कर रहे हो, ये खतरनाक है। अरे कोई खतरनाक नहीं है, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। मैं इसे घर के अंदर ही तालाब बना दूंगा, उसमें ही रखूंगा, दरवाजा बंद कर रखूंगा, तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देख लो तुम्हारी तो मत मारी गई है। अरे नहीं नहीं, मैं तो ये व्यापार करूंगा ही करूंगा, बहुत दिनों तक गरीबी में दिन बिताया है, अब और नहीं बिताना है। बाबा बाबा ये तो पानी में चला गया। हाँ जग्गू, लेकिन तू थोड़ा दूर ही रहना, ये मांसाहारी होते हैं, ये अच्छे नहीं होते हैं,
ये तो मैं पैसों के लिए इन्हें घर में रख रहा हूँ, वरना मैं इनकी पैदावार नहीं करता। लेकिन एक मगरमच्छ के बच्चे से क्या होगा, मुझे तो और भी मगरमच्छ के बच्चे चाहिए। जाता हूँ, कल जाऊंगा ना तो पता चलेगा। अरे ओ कालू भैया, आ कालू भैया, नहीं जाना है क्या मछलियाँ पकड़ने? अरे रे, ओहो, बहुत ज्यादा कल थकान हो गई थी ना, इसीलिए नींद नहीं खुली। अभी आता हूँ। भाई कालू, सारी मछलियाँ आज ही ले जाओगे क्या? बर्तन में तो पहले से ही मछलियाँ भरी पड़ी हैं। क्या कर रहे हो, बार बार नदी में जाल क्यों फेंक रहे हो? कोई बात है तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे भाई, क्या कहूँ अब, अरे अरे डरो मत, मेरे से कुछ भी मत छिपाओ, मैं तुम्हारी मदद ही करूँगा, तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हारी कभी हानि करूँगा। अच्छा सुनो, कल मुझे एक मगरमच्छ का बच्चा मिला था। मैंने सुना मगरमच्छ की पैदावार करने से अच्छी खासी आमदनी होती है, तो मैंने सोचा कि उस मगरमच्छ को मैं पालूंगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बेच दूंगा। लेकिन एक मगरमच्छ नहीं, मुझे और भी मगरमच्छ चाहिए। वो अकेला कहीं तालाब में मर न जाए, इसीलिए मैं जाल फेंक रहा था। अच्छा, तो ये बात है, अब बताया ना, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो एक जगह नाव को किनारे में लगाओ। देखना अभी एक मगरमच्छ आएगी। अरे ये तो बहुत बड़ी है। अरे चलो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये क्या, ये तो 10-10 है। हाँ, ये मगरमच्छ के अंडे हैं और मुझे लगता है अब ये फूटने ही वाले हैं। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे तुम यहीं रहना, देखना ये मगरमच्छ के बच्चे इधर उधर न हो जाएं। मैं अभी जाता हूँ और मछली वाला बर्तन लाता हूँ, उसमें डालकर ले चलना। ठीक है ठीक है, जाओ तुम। अरे ये तो मेरी लाखों की कमाई है, इन्हें कैसे जाने दूंगा, इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अजी, आज मछलियाँ नहीं लाए हो क्या? अरे नहीं, आज मैं देखो क्या लाया हूँ, मगरमच्छ के इतने सारे बच्चे। अजी आपका दिमाग खराब हो गया है। और भैरव भैया, ये क्या, इन्हें कुछ समझा नहीं रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? इन्हें लगता है मगरमच्छ के बच्चे पालने ठीक है? अरे भाभी, मैंने भी सुना है मगरमच्छ से अच्छी कमाई होती है, क्यों परेशान होती हो, थोड़ा ही बड़ा होंगे ये तो बेच दिया जाएगा। तुम और तुम्हारा ये दोस्त, मैं चली।
अरे मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तुम हमारी माँ हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं माँ नहीं हूँ तुम्हारी। अरे हमें भूख लगी है, खाने दो। अरे बाप रे, ये कौन है? कहाँ से आ गई? मेरे बच्चों को जल्दी से मुझे दे दो, वरना मैं सबको तहस नहस कर दूंगी। पूरा गांव मैं खा जाऊंगी। ये लो तुम्हारे बच्चे, यहाँ पे है। अरे मेरी सारी कमाई चली गई। ये तो मगरमच्छों के साथ ही मैंने इतने पैसे खर्च किए थे, वो भी बर्बाद हो गए। बाबा जाने दो, वरना वो गांव को ही तबाह कर देती। माँ ठीक कहती है, ये सारा काम करना ही नहीं था। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनते हो नहीं। अब जब हानि हुई है तब मेरी बात अच्छी लग रही है तुम्हें। इतने समय से मेरी बात तो अच्छी लग ही नहीं रही थी। हाय हाय, मेरे तो पैसे बर्बाद हो गए। जाता हूँ, अपना मछलियों का व्यापार ही ठीक है, वही करता हूँ।